हाँ तो यार कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो इस वीडियो में बात करने वाले एक नए हिंदी डब मूवी के बारे में, जिसका नाम होने वाला है ग्रंथालयम। और इसी मूवी करेंगे रिव्यू, पर इस इंट्रो के बाद। तो स्टार्ट कर ले अगर इसकी कहानी से, तो स्टोरी यार बेसिकली फोकस करती है ग्रंथ के ऊपर, जो किसी को मिला तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब उस ग्रंथ के पीछे ऐसा क्या है और सब कैरेक्टर उसके पीछे क्यों पड़े हैं, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना हो मूवी को, जो मिल जाएगी यूट्यूब पे। कैनिक्रोन नाम का एक चैनल है जहाँ पे देखने को मिल जाएगी मूवी। पर अगर आप ये बात सुनकर देखने प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो 2 मिनट यार पहले वीडियो में रुक जाओ। पहले सुन लो कहानी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो देखो यार, अगर पूरे मूवी के बारे में बोलना हो ना, तो जिस तरीके से पूरे कहानी को रखा गया है, मतलब यार हद है। ब्रांडिंग का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कैरेक्टर्स राइटिंग है वो बिल्कुल खराब है। हाँ, जो पॉइंट था वो ग्रंथ वाला, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो लास्ट में जो चीज़ें चलती हैं वो जरूर अच्छी है स्टोरी में, पर उससे पहले जिस तरीके से बिल्डअप बनाया जाता है, जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जो एक एक्शन दिखाया जाता है, जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, जिस तरीके से विलन को दिखाया गया है, मतलब किसी भी एक कैरेक्टर को बोल नहीं सकते कि उसकी कैरेक्टर राइटिंग अच्छी है या कुछ ऐसा देखने को मिला जो बिल्कुल अलग हो। हाँ, पॉइंट जरूर, जो ग्रंथ वाला पॉइंट है और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, उसको बोल सकता हूँ। पर उतने से पॉइंट के लिए हम पूरे मूवी को एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। ना मूवी में कॉमेडी पोर्शन अच्छा है, ना एक्शन अच्छा है। एक्शन तो ऐसा लगता है भाई, मार कहीं और रहा है और गिर कोई और रहा है। मतलब इतना बुरा एक्शन सीन, मतलब हद है। बहुत बुरी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया, बहुत बुरी तरीके से डिजाइन किया गया है। साथ में कैरेक्टर राइटिंग भी अच्छी नहीं है, जो लव स्टोरी चलती है वो भी कुछ खास नहीं है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। यहाँ तक कि जो एक दो इमोशनल सीन है वो भी आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, जो एक दिक्कत है इस पूरे मूवी को देखते टाइम। मतलब यार वो एक इंटरेस्ट बनना चाहिए था ना इस पॉइंट के साथ में, वो बन नहीं पाता है। अगर ये एक तरीके से बेसिकली यार मूवी ऊपर ऊपर से टच करेगी जो मेन पॉइंट है उसको, और उसी पॉइंट के वैसे कुछ ऑडियंस शायद इन्जॉय कर ले या देख ले लास्ट तक। नहीं तो मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है, ना स्क्रीन प्ले में ना स्टोरी में, जिसको बोलने कि यार ये बेस्ट था या बढ़िया था। बाकी बीजीएम है वो डिसेंट है, मूवी की क्वालिटी के हिसाब से ही प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक थी, मतलब ठीक है ये कह सकते हैं, काम चल जाता है। जिस तरीके से ग्रंथ को दिखाया गया वहाँ जो विजुअल्स इफेक्ट थे वो हो सकता है कुछ हिंदी डब ऑडियंस को पसंद आ जाए। बाकी अब बात आती है एक्टिंग में, तो जो मेन लीड में स्टार कास्ट थी, जो एक्टर्स थे, जो एक्ट्रेस थी, जो विलन थे, उन सब का काम यार मेरे को ओके लगा। मतलब आप भी बोलोगे कुछ लोग काम, तो कुछ लोग ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे, कुछ फालतू में इरिटेट कर रहे थे, और किसी काम डिसेंट है बस। कोई ऐसा नहीं है जिसको बोल सके कि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। और ओवरऑल बोलो तो मूवी को भाई हिंदी ऑडियंस शायद इंजॉय कर ले, पर अगर आप एक कंटेंट का तलाश कर रहे हो, कुछ अच्छा देखने के बारे में सोच रहे थे, या सोच रहे थे कुछ अच्छा दिखाएगी मूवी या देखने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो भाई मेरे साथ तो ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अब आगे आपकी मर्जी, मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो अगर आपने देख लिया हो तो, और देखने वाले हो तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ में।